हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हर्ष धवन, आपका करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से। फ्रेंड्स, आपका लगातार एक क्वेश्चन आता रहता है कि सर बायर कैसे मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा। और मैं आपको हमेशा एक ही चीज समझाता हूं, बायर मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व ही कर देता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको बायर कैसे मिलेगा। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको बायर कैसे मिलेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, चाहे आप वो किसी भी प्रोडक्ट में डील करते हैं, किसी भी कंट्री को सर्च करना चाहते हैं, किसी कंट्री में जानना चाहते हैं कि क्या इस कंट्री में मेरे प्रोडक्ट का बायर है। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां से आप अपने प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढ सकते हैं, या मैं बोलूं किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बायर ढूंढ सकते हैं। किसी भी कंट्री में आप जाके उस कंट्री में अपने प्रोडक्ट का बायर ढूंढ सकते हैं। चाहे आप किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि बायर की क्रेडिबिलिटी के बारे में, क्या बायर ऑथेंटिक है या नहीं, क्या बायर जेन्युइन है क्या नहीं, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी मिलेगा कि बायर जेन्युइन है या बायर ऑथेंटिक है। चलिए आपको मैं लेकर चलता हूं एक प्लेटफॉर्म, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द डॉलर बिजनेस। द डॉलर बिजनेस ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बायर जेन्युइन मिलेगा। कैसे मिलेगा, कैसे सर्च करना है, कैसे जानना है इस वेबसाइट के बारे में, आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं, पूरे अच्छे तरीके से आपको सिखाता हूं कि बायर को कैसे ढूंढना है और भी क्या क्या बेनिफिट हैं इस प्लेटफॉर्म के, इस वेबसाइट के। और साथ के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज, सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए ही नहीं, इंपोर्टर के लिए भी ये बहुत ही अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंपोर्टर को भी अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना है, कहाँ से प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा, कौन सी कंट्री से किस रेट पे मिलेगा, तो वो भी ये जान सकता है। चलिए चलते हैं द डॉलर बिजनेस की ओर और जानते हैं कि कैसे हम बायर ढूंढ सकते हैं और अगर मैं इंपोर्टर हूं तो मैं इस वेबसाइट का, इस प्लेटफॉर्म का फायदा कैसे उठा सकता हूं। चलिए दोस्तों अब आपको लेकर चलता हूं द डॉलर बिजनेस की वेबसाइट पे। ये उनकी वेबसाइट है द डॉलर बिजनेस। में मैंने क्लिक किया, गूगल सर्च इंजन में जाके सर्च किया तो मेरे सामने पेज आ गया जिस पे लिखा हुआ है एक्सिम मैप्स। ऐसा ही सेम पेज आपके सामने भी आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए बायर ढूंढना है। मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे प्रोडक्ट का बायर कौन कौन से देशों में अवेलेबल है। अब मेरे पास एक ऑप्शन है, जैसे सपोज कीजिए सर्च इंजन, यहां पे मैं जाके अपने प्रोडक्ट का HS कोड भी डाल सकता हूं या फिर मैं अपने प्रोडक्ट का भी नाम डाल सकता हूं। जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पे डाल रहा हूं टी। अब मैंने टी पे सर्च किया, मैं चाय के बायर्स के बारे में जानना चाहता हूं, यहां पे सर्च के बटन को क्लिक किया और देखते हैं यहां पे एक पेज ओपन हो रहा है। ये पेज ओपन हुआ और यहां पे दिखा रहा है कि भाई 17,258 बायर्स यहां पे अवेलेबल हैं। अब अगर मैं फिंगर टिप्स पे देखूं तो यहां पे बायर्स की पूरी इंफॉर्मेशन है। भाई रशिया में 114 बायर्स दिखा रहा है, अगर मैं देखूं कजाकिस्तान में 24 बायर दिखा रहा है, अगर मैं देखूं मंगोलिया में 7 बायर दिखा रहा है। चलिए अब आप अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब मैं रशिया जा रहा हूं, मैंने रशिया पे क्लिक किया। रशिया पे क्लिक करते ही बायर्स की पूरी डिटेल्स आ गई, जो 114 बायर हैं उनकी सारी लिस्ट ओपन हो गई। अब इसमें से सपोज कीजिए मैं एक बायर को क्लिक करता हूं, अब देखिए एक और पेज खुल रहा है। अब इस बायर की पूरी लिस्ट आ गई। अगर मैं इस बायर के बारे में जानना चाहता हूं तो देखिए उसके बारे में भी मैं अबाउट अस में जान सकता हूं, उस बायर की इंफॉर्मेशन ले सकता हूं। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि बायर जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। ये सारी चीजें मुझे सिर्फ फिंगर टिप्स पे पता लग जाएगी। बहुत ही इजीली मैं इससे, इस वेबसाइट के जरिए, द डॉलर बिजनेस के जरिए ये हैंडल कर सकता हूं। चलिए दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एनालिटिक्स में, जिसमें मैंने क्लिक किया और मैंने देखा कि बायर ने अभी तक का टर्नओवर कितना किया हुआ है। जैसे देखिए सामने मेरा प्रोडक्ट भी दिखा रहा है टी, और कितनी क्वांटिटी उसने परचेज की हुई है, यानी क्वांटिटी और वॉल्यूम भी
आप जान सकते हैं। अब एक नीचे आप ये देखिए, ये पूरा ग्राफ दिखा रहा है कितने वैल्यू का बाय यानी कितने वैल्यू का प्रोडक्ट बायर ने कौन से महीने में परचेज किया है। ये मंथली रिपोर्ट आप बायर की जान सकते हैं। सोचिए दोस्तों कितना अच्छा और बेनिफिट मैं इससे उठा सकता हूं। ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहां से बायर की मिल जाएगी कि वो कितनी क्वांटिटी उठा रहा है, कितनी वैल्यू की क्वांटिटी उठा रहा है, और कौन से मंथ में कितना ऑर्डर वो दे रहा है, कौन से मंथ में उसका ऑर्डर कम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं सपोज कीजिए स्क्रॉल डाउन करता हूं तो देखिए यहाँ पे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का एक चार्ट है जहां पे आपको अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड मिल जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और कौन सी यानी सेलर कंट्री की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यूनिट्स यानी केजी कितने केजी और कितनी क्वांटिटी में यानी ये गुड्स परचेज किया गया है, कितनी वैल्यू में ये गुड्स परचेज किया गया, यानी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में मिल जाएगी, जो ये टूल आपकी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल की जिसका नाम है नेक्सस। अब ये नेक्सस है क्या? मैंने यहां पे नेक्सस पे क्लिक किया और नेक्सस पे क्लिक करते ही मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। ये क्या है, इसका मतलब क्या है नेक्सस का? ये इसे हम बोलते हैं ट्री ऑफ बिजनेस सीक्रेट, यानी आप अपने बायर के सीक्रेट का पता लगा रहे हैं, यानी वो पूरी सप्लाई चेन के बारे में, अगर आप अपने बायर के बारे की पूरी सप्लाई चेन के बारे में जानना चाहते हैं, वो कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, कौन से इंपोर्टर से परचेज कर रहा है, कौन सी कंट्री से परचेज कर रहा है, तो ये नेक्सस से आपको पता लग जाएगा। इतनी भी इससे ज्यादा ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि वो हो सकता है आगे कहीं प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, यानी बिल्कुल सीक्रेट इंफॉर्मेशन है बायर की, जो आप यहां से बैठे बैठे इजीली अपनी फिंगर टिप्स पे पता कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से बायर से कितना प्रोडक्ट परचेज किया गया है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहां पे मैंने कर्सर लेके गया और उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये जो मेरा बायर है इसकी कितनी शिपमेंट अब इस सेलर से जा चुकी है, यानी ये एक्सपोर्टर है, ये कितना एक्सपोर्ट कर चुका है, तो मैं कहीं भी जाके किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ। यानी मुझे किसी कंपनी के बारे में जानना है या अदर एक्सपोर्टर के बारे में जानना है, जैसे यहाँ पे श्रीलंका का क्या कहते हैं आपका क्या कहते एक्सपोर्टर है तो इसके बारे में जानना है, तो मेरे को सारी इंफॉर्मेशन या मैं ये कहूँ सारी हिडन इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और क्या चाहिए यार, इससे बेस्ट टूल और क्या होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। और साथ के साथ दोस्तों अगर आपको सपोज कीजिए सिमिलर बायर्स की डिटेल्स चाहिए तो आप सिमिलर बायर्स पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको बायर की पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके पूरी बायर की डिटेल्स जान सकते हैं। उसका ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा, उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, उसके कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन सारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो जाएगी, है ना दोस्तों, एक काम की वेबसाइट। चलिए अब सबसे ज्यादा एक और इम्पॉर्टेंट टूल की बात करता हूं। चलिए लेके चलता हूं, क्या है वो इम्पॉर्टेंट टूल बताता हूं आगे। तो दोस्तों अब आपको लेके चलता हूं एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर पे। क्या है वो इम्पॉर्टेंट फीचर? चलिए वापस चलता हूं मैं होम पेज पे। मैंने होम पेज पे क्लिक किया और यहां पे मैं गया ट्रेड एनालिसिस पे। मैंने यहां पे क्लिक किया और यहां पे मेरे सामने ये विंडो ओपन हुई। अगर मुझे इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं इंपोर्ट में क्लिक कर सकता हूं, और अगर मुझे एक्सपोर्ट के बारे में नॉलेज चाहिए तो मैं एक्सपोर्ट क्लिक कर सकता हूँ। फिलहाल हम एक्सपोर्ट के बारे में जान रहे हैं। फिलहाल हम अब अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता हूं, जैसे सपोज कीजिए अभी हमने टी की बात की तो यहाँ पे मैं टी टाइप करूंगा, टी के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं सर्च पे जाऊंगा। अब मेरे सामने पूरी इंफॉर्मेशन है टी की, यानी देखिए डेट वाइज शिपमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन
मेरे सामने आ जाएगी। अगर मैं चाहता देखना चाहता हूं कि भाई चाय कौन कौन से देशों में एक्सपोर्ट की गई है, कौन से पोर्ट से एक्सपोर्ट की गई है, कौन सी डेट को एक्सपोर्ट की गई है, कौन से बायर को एक्सपोर्ट की गई है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस टूल में आ जाएगी जिसका नाम है ट्रेड एनालिसिस। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे डेट, शिपमेंट, पूरा एचएस कोड लिखा हुआ है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, बायर्स की कंट्री की इंफॉर्मेशन है, बायर की इंफॉर्मेशन है, कौन से पोर्ट पे वो माल उतरा है और कौन सी कंट्री से गया है। सेलर की भी इंफॉर्मेशन है, भाई आप जानना चाहते हैं कि भैया इंडिया से कौन सा सेलर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये भी इंफॉर्मेशन, और साथ के साथ कौन से पोर्ट से माल गया है, कितनी क्वांटिटी में गया है, ये सारी की सारी चीजें आपको इस टूल में मिल जाएगी। इवन वैल्यू, यूनिट प्राइस, हर चीज सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। आपको पता लग जाएगा कौन से मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कौन सी कंट्री में किस रेट पे बिक रहा है ना दोस्तों, फायदे का सौदा। तो है ना, ऑथेंटिक चीज जानने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों मिला ना बायर, अगर आपको भी बायर जल्दी से जल्दी चाहिए, फिंगर टिप्स पे चाहिए, तो भूलिए नहीं द डॉलर बिजनेस। चाहे आप एक्सपोर्टर हैं या चाहे आप इंपोर्टर हैं, आप दोनों के लिए द डॉलर बिजनेस सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो सके। और अगर आपका कोई डाउट क्वेश्चन है तो #AskCareerGuru टाइप करिए और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, हम आपके जवाब वीडियो के जरिए आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है तो एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल तो आना पड़ेगा। जय हिंद।